नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनु, लेकर आई हूं इंडिया हॉट टॉपिक्स पर एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों की नई खबर। देश में कोरोना के मामले काफी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में 3 गुना से ज्यादा केस भारत में आ चुके हैं। आज एक दिन में कोरोना के 5500 मामले सामने आ गए, जिसके बाद भारत में राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस कर्फ्यू के बाद राजधानी में कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम से चलेंगे। राजधानी में बस और मेट्रो पूरी क्षमता से चलेंगे। कोरोना से जुड़े कई नियमों में भी काफी बदलाव किया गया है। दिल्ली में पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा? जानने के लिए देखिए हमारे ये खास वीडियो। देश में आतंक फैलाने वाले कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना का एक फिर जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे नए मामलों में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी हुए ताजा रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में 37,000 से भी अधिक नए मामलों का आंकड़ा सामने आया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में तरह तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी है। इसी के तहत राज्यों में एक बार फिर स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 37,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या लगभग 35,00,000 पहुंच गई है। दोस्तों, कोरोना से जुड़े नए खबर, नई अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इंडिया हॉट टॉपिक्स पर। मैं आपकी दोस्त अनु लेकर आऊंगी फिर से नई खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।